कैसा बना है? किस चाहिए? सुपर। छोड़ो। रुको रुको रुको, यही वो बंदा। स्पेशल पान का है भाई, एक मीठा पान दे दे। ठीक है सर, पंडित से इंफॉर्मेशन मिल गई। वेरी गुड सर। सेतु, सबको बुलाओ। ठीक है सर। सत्या, तुम उस ऑपरेशन से हट जाओ, एक दूसरा काम है। सर, मुझे इस टीम से हटा दीजिए। मैं जानता हूं आप मेरे लिए कितने परेशान रहते हैं, मुझे देखकर दुखी होते रहते हैं, मुझे कहीं दूर भेज दीजिए। सब लोग आ गए हैं सर। यस सर। ये रखो, उस आदमी को फॉलो करो। थैंक यू सर। राम सिंह, उम्र 55, बन्ने सिंह का चाचा है। इस गैंग का ऑर्गेनाइजर, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे यहाँ पटवारी कहते हैं। इनके कास्ट से इकलौता पढ़ा लिखा इंसान गैंग के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और हेड बन के उनके डिस्प्यूट्स सेटल करता है। उनके सभी कोर्ट केसेस भी हैंडल करता है। लूटे हुए जेवर को कैश में कन्वर्ट करवाता है। उनका लीगल चेहरा है। अगर उसे पकड़ लें तो इस वक्त फरार बन्ने सिंह के अलावा गैंग के बाकी मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। लोकल पुलिस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसके। पूरे गांव में उसकी धाक है। हर दिन अपने दिए लोन्स पे ब्याज लेने भरतपुर मार्केट आता है। वहीं हमें चुपचाप इसे उठाना होगा। गांव जाके देखा ना, मार्केट में उससे भी ज्यादा गुंडे पाल रखे इसने। पकड़े जाएंगे। अपनी गाड़ियों पे लोकल नंबर प्लेट लगवाओ। सुबह के टाइम काफी भीड़ रहेगी। उसे अरेस्ट करते समय अगर भीड़ इकट्ठी हो गई या उसे शक हो गया तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। जब भी उसे पकड़ेंगे किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। प्लान वर्कआउट कर लिया है, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। आराम से पहुंच गए। 2 मिनट का टाइम है, लोगों को हवा लगे उससे पहले उसे लेके हवा हो जाएंगे। ओके सर। क्या सिर्फ 2 मिनट? 2 घंटे तक उसे हाथ नहीं लगा पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है। दरवाजा छू क्या, तब तक उसे उठा चुके होंगे। ना उठा पाए तो यहाँ से लौट जाएंगे। मेरा पिंड छूट जाएगा आपसे। एक नहीं 4 बार जाऊंगा। मुकरोगे तो नहीं? आज घर जाऊंगा, मुक्ति मिल जाएगी। मधु दौड़ता हुआ आ रहा है। चोर चोर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागो। ओके सर। डू इट नाउ। चोर, ए चोर, ए चोर, 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 मेरा सामान चोरी करके भाग गए। चोर, ए पकड़ो इसे, पकड़ो। सत्या, रेडी। ए चोर, 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 भाई मैं चोर ना हूँ, बात समझ लो मेरी। चोर, मारो इसे, मारो। अरे मार तुमको। अरे अरे विकी, मूव। अरे क्या हो रहा है उधर? चंदू। सेतु, कवर। पकड़ो। तरबूज के मुंह में केले ठूंस दो। चलो चलो चलो। ऑटो 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 भाई साहब। ऑटो 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 ऑटो। अरे ऑटो सामने से। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। चल अंदर। जल्दी जल्दी चलो चलो। आज के बाद जो भी कहोगे मानूंगा साहब, बस फिर से भागने के लिए मत कहना सर जी। एक काम करो, हराम सिंह के लिए चेन्नई का ट्रांजिट वारंट इशू करो। हराम सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही हत्या करने वाले कुख्यात डकैतों की पकड़ने की 10 साल की कोशिश आज एक मुकाम पे पहुंची है। डीएसपी थीरन की अभूतपूर्व कामयाबी के लिए कई स्टेट के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें बधाई दी है। डीएसपी थीरन ने भरोसा दिलाया कि गिरोह के लीडर को बहुत जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। कांस्टेबल, इस बाइक पहले को रोको। ए कहां जा रहे हो? चलो 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 वापस जाओ। ए कौन है वहां पर? बाहर निकलो, बाहर। इधर इधर। सॉरी सर, हम लोग लवर्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए डिस्कस कर रहे थे। झाड़ियों के पीछे कौन सा फैमिली प्रॉब्लम? भागो यहां से। अम्मा।
बेगुनाह साहब। चल बोल। बेगुनाह साहब जी। सर देख क्या रहे हैं, टाइप करिए ना आप। मैं बेगुनाह साहब जी। जल्दी बोल। सर जी बेगुनाह। बोलता है कि नहीं? जी बेगुनाह। तुम्हारे से नहीं बताएगा। साहब जी। बोल। नहीं? मैं बेगुनाह साहब जी। इसका मतलब यह है कि समझ गया, हर सेंटेंस का एक ही मतलब है, आई एम इनोसेंट। कपड़े उतार इसके, खटमल अंदर जाएगा ना तो तोते की तरह पटार पटार आवाज निकलेगी इसके। खटमल किस लिए? जैसे ही गर्मी बढ़ेगी ना, खटमल नाभि में छेद करके निकलने की कोशिश करेगा। इस दर्द में आदमी मौत की कामना करने लगे। मैं बेगुनाह हूँ साहब जी। इसे कैसे तोड़े सर? सर बड़ा ढीठ है सर, बेगुनाह बेगुनाह की रट लगा रखी हूँ सर। सर, सर। सर। वन्ने सिंह और उसके गैंग के बारे में नहीं बताया तो ये छेद अब पैंट की बजाय तेरे भेजे में बनेगा। अभी भी तेरे पास वक्त है, तू बोल दे वरना मारा जाएगा। सच सच बता दे। साहब जी 15 दिनों तक उस अधेड़ को हमने टॉर्चर किया लेकिन वो नहीं टूटा। हैरानी की बात है, उनकी सहन शक्ति की सीमा, अपनी बिरादरी के प्रति अटूट वफादारी, उसके आगे हम बिल्कुल असहाय हो गए। कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय रिमांड पीरियड बढ़ाने के। थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग को उठा लाए, उस पर खून और डकैती का इल्जाम लगा दिया। अगली बार कोई ठोस सबूत नहीं लाए तो देखना रिमांड एक्सटेंड नहीं करूंगा। इनकी फीस दे दो। हाँ। शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। इनकी बिल जल्दी करवा दो। अच्छा चलिए, अगर मैं सब ठीक है ना। सो बने सिंह हैज एस्केप और उसे ढूंढना मुश्किल है। गैंग लीडर का नाम ही नहीं पता तो उसे फिर अरेस्ट कैसे करोगे? वो गैंग इस देश के किस कोने में है इसका सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं। वो विटनेस नहीं है, यानी पकड़ लिया तो उसे तुरंत छोड़ना पड़ेगा। हरम सिंह को बेल मिलते ही ये केस क्लोज हो जाएगा। सुपर्ब। सर हमें एक और ह्यूमन राइट्स का समन है। तुमने हरम सिंह को टॉर्चर किया है, ये उसकी कंप्लेन है। क्या क्या दावे किए थे, इसी वक्त ऑपरेशन को डिसमिस कर दो। उनसे यहाँ नहीं आने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो। उनमें से 2 को अरेस्ट कर लो। प्रेस रिलीज में जनता को बताओ कि एमएलए के किलर्स पकड़ लिए गए हैं। केस क्लोज। ओके सर, आई डू इट। ये लो सर, थोड़े दिन और। क्या रे नीरज, घुटने टेक दिए? बधाई हो। सच में ऑपरेशन बंद कर रहे हैं सर? हाँ, आराम से स्टेटमेंट ले लो कि उसे मारा नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सर 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 बात तो। थैंक यू सर। जी मैं पंडित बोल रहा हूँ, मुझे खबर मिली आप सुलह करने वाले हो। इस वक्त कहाँ पर हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। बोलो। आप यहाँ आ सकते हैं सर, एक काम की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। कहाँ? मैं कल बताऊंगा। रूल्स फॉलो किए बिना एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कैसे अरेस्ट कर सकते हो? कानून की कोई परवाह है कि नहीं है? ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं आप? इनोसेंस को फंसाना पुलिस के लिए आम बात हो गई है। इस फाइल को पढ़ लीजिए, उसके बाद फैसला सुनाइए। इसे यहीं छोड़ जाओ। इसके साथ समझौता होते ही उन्हें ह्यूमन राइट्स से कंप्लेंट वापस लेने को कहना। ओके सर। हेलो सर, रूपवास चेकपोस्ट वाले पनवाड़ी के पास। रूपवास चेकपोस्ट, गुड, अभी आ रहा हूँ। नजीर, अपनी टीम को रूपवास चेकपोस्ट आने के लिए कहो। ओके सर। आज किस्सा खत्म करेंगे। हेलो, 5-6 लोगों की टीम लेके रूपवास चेकपोस्ट पर पहुंचो। सर का ऑर्डर है, जल्दी करो, समझे? सत्या,
कल जब हम हराम सिंह को कोर्ट लेकर जाएंगे तो। सर कुछ गड़बड़ हुई तो? इससे ज्यादा क्या होगा, जो होगा परवाह नहीं, मैं संभाल लूंगा। मद्रास पुलिस यहाँ समझौते खातर आ रहे हो, दो लोग आत्मसमर्पण कर लो, केस बंद हो जाएगा। सुनो मुत्तपंडी, जब हराम सिंह को बेल दिलाने ले जाओ, कोर्ट से ही दो अक्यूज्ड को रिमांड पे ले लेना। ओके सर, ओवर। सर केस कंप्रोमाइज पे खत्म होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था सर। अब यही सही, यहाँ एक मशहूर पान वाला है, खाली पेट खाने से भूख अच्छी लगती है, चलो खाते हैं। स्पेशल पान रेडी है? मद्रास की पुलिस यहाँ समझौते वास्ते आ रही है। इधर आप लोग, इधर देखो, 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 इधर देखो,